शांतनगर के ग्राम पोनिया में 24 घंटे का अखंड श्री राम कीर्तन जाप बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस श्री राम कीर्तन में आसपास के दूर दूर से सभी क्षेत्रों से लोग भारी संख्या में श्री राम कीर्तन में पधारे। श्री राम कीर्तन में आने वालों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई, साथ ही फलाहार चाय के साथ सभी को उपहार के तौर पर भेंट देकर सभी का सम्मान किया गया। अखंड श्री राम कीर्तन के मुख्य आयोजक सरपंच श्री मेहताब रघुवंशी, अवधेश रघुवंशी, सीआरपीएफ संतोष रघुवंशी, पहलवान गोपाल रघुवंशी, केंद्रीय पुलिस बल मौजूद था। संवाददाता ललित रघुवंशी ने अखंड श्री राम कीर्तन के आयोजक गोपाल रघुवंशी से बात की तो उन्होंने इस विषय में क्या कहा, देखिए। ये अखंड श्री राम कीर्तन आप कितने वर्षों से कराते आ रहे हैं? ये अखंड श्री राम कीर्तन हम लगातार 3-4 वर्षों से करवाते हैं। और इस अखंड श्री राम कीर्तन कराने का उद्देश्य क्या है? अखंड श्री राम कीर्तन कराने का उद्देश्य समाज में श्री राम का जो वर्चस्व रहा है और धर्म संस्कृति को सभी ग्रामवासियों को जहाँ तक भी मतलब इसकी आवाज़ के माध्यम से जो भी श्रोतागण इसको ग्रहण करते हैं तो ये वातावरण को शुद्ध करता है, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करता है और इनसे सभ्यता संस्कार बच्चों में जो नए बच्चे हैं उनको सभ्यता सिखाने का मार्गदर्शन और वातावरण का शुद्धिकरण, बहुत सारे उद्देश्य हैं। इससे अनेक उद्देश्य जुड़े हुए हैं। श्री राम कीर्तन अखंड कराने का जो उद्देश्य रहता है धर्म से जोड़ना, लोगों के जो समस्याएं उन इन सब कार्यक्रमों से और जो पश्चिम सभ्यता जैसे कि हमारे देश में हावी हुई है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जो बर्थडे और इसका खंडन करते हुए बर्थडे से इस परंपरा को जोड़ते हुए हमने इसका शुभारम्भ किए थे। हमारे बड़े भ्राता जी का जन्मदिन उत्सव रहता है, इसलिए प्रतिवर्ष हम उसी परंपरा को जन्म उत्सव में ना बर्थडे केक के माध्यम से नहीं एक श्रीराम कीर्तन के माध्यम से हम उसको जन्म उत्सव में भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए भी हम मनाते चले आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। छिंदवाड़ा से ललित रघुवंशी की रिपोर्ट।